तो हरियाणा देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण में 24वें स्थान पर है। नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने स्वच्छता में 24वां रैंक हासिल करने को करनाल के लिए पूरे देश में एक सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि ये करनाल के लिए और जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने शहरवासी पार्षदों और सफाई कर्मियों को बधाई दी। मैं करनाल वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरह से स्वच्छता का जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देश और प्रदेश में दिया गया, सभी ने इस अभियान से जुड़ते हुए 2019 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उसमें हमारे करनाल ने देश भर में स्वच्छता के नाम पर 24वां रैंक हासिल किया। और इसके साथ साथ करनाल ने गार्बेज फ्री सिटी 3 स्टार अवार्ड भी हासिल किया और ODF प्लस प्लस में हमारा करनाल स्वच्छता की तरफ जा रहा है और वो भी हमने हासिल कर लिया है। एक ये स्वच्छता का संदेश हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक संदेश दिया गया कि किस तरह से हम अपने देश को स्वच्छ रखकर उसे और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो प्रदेश भर में जन जागरण के कार्यक्रम हुए, जन जागरण अभियान चले स्वच्छता को लेकर के, उसी का परिणाम है कि हरियाणा स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी में भी 2019 में प्रथम स्थान पर रहा है हरियाणा पूरे देश भर में। वहीं करनाल की यदि हम बात करें तो करनाल ने भी एक लंबी छलांग लगा करके अपनी रैंकिंग को सुधारा है। पहले करनाल 41वें स्थान पे था, इस बार करनाल जो है वो 24वें स्थान पर रहा है। लेकिन करनाल वासियों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यही हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें इस रैंकिंग को नंबर 1 पर लेकर के आना है। जो स्थान इस समय इंदौर ने हासिल किया है पूरे देश भर में।